रावी चौसर में इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। बीजेपी नेता जगमोहन वर्मा वापस लेंगे नामांकन। नाराज होकर सांवेर से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय पहुंचे थे मनाने। बीजेपी के लिए करेंगे काम, जगमोहन वर्मा अपनी मांगों की अवहेलना से नाराज थे। तो बीजेपी के लिए राहत, बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता जगमोहन वर्मा ने अपना नामांकन वापस लिया है। नाराज होकर सांवेर से निर्दलीय नामांकन भरा था। हालांकि रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय पहुंचे थे मनाने के लिए। तो बीजेपी के लिए राहत की बात है, बीजेपी के लिए काम करेंगे जगमोहन वर्मा, अपनी मांगों की अवहेलना से जगमोहन वर्मा नाराज थे, तो बीजेपी के लिए यहां पर राहत। पार्टी कामयाब रही, जगमोहन वर्मा मान गए और फिर से पार्टी के लिए काम करने और अपना नामांकन वापस लेने की शपथ ली। जगमोहन वर्मा ने कहा कि वह 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा उनकी मां है और बच्चे अपनी मां से रूठ जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ नहीं जाते। उनके कुछ मांगे थे जो पार्टी से लगातार अपनी बात रख रहे थे लेकिन अब पार्टी ने माना है कि उनकी सभी मांगों को माना जाएगा। दरअसल पिछले कई दिनों से बीजेपी के सीनियर लीडर जगमोहन वर्मा को मनाने में लगे हुए थे। दरअसल उनकी मांगों की अवहेलना को लेकर वे पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने सांवेर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कर दिया था लेकिन बावजूद उसके लगातार उन्हें मनाने का क्रम जारी रहा। नाम वापस ले रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं अपनी मां से रूठ गया था लेकिन आज फिर मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। मां से बच्चे रूठते हैं लेकिन मां को कोई छोड़ता नहीं। हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर सांवेर में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे।